नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम कुमार, श्याम कुमार ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज दोस्तों मेरा ये बल्ब का प्रॉब्लम हो गया है, जिसके कारण पानी बाहर निकल जा रहा है और मेरा पूजा का रूम का दीवार जो है काफ़ी गीला हो जा रहा है। आइए पूजा रूम दिखाते हैं। यह पूजा रूम दोस्त, जैसे कि देख रहे हैं आप, ये इधर सूखा हुआ है, इधर मट्टी तो दीवार है जिसके कारण ये भींग जा रहा है, इधर ये भींगा हुआ है, इधर भी देख सकते हैं ये भींगा हुआ है, नीचे ऊपर ठीक है। मट्टी का गीला जो है उसके दीवार बना है, उसके कारण ऐसा हो रहा है। और आज हम उस बल्ब को थोड़ा नीचे कर देंगे और जा रहे हैं बाजार, बाजार से इसका सामान लाएंगे और सामान लाने के बाद ये बल्ब इधर नीचे कर देंगे और एक पॉइंट उधर छोड़ देंगे ऊपर सेंटेक्स की तरफ। बाद में सेंटेक्स में पानी भरने के लिए वो कनेक्शन हम रख सकते हैं। तो हम दुकान आ चुके हैं, दुकान में हम सामान ले लेते हैं। भैया कुछ सामान चाहिए? हाँ हाँ, उनको निकाल दीजिए, अगर हम बता देते हैं। नहीं सर, निकाल दिए आपका। अच्छा निकाल दिए, फोन किए थे तो पहले ही फ़ोन कर दिए थे। मेरा भैया निकाल दिए हैं, ये देखिए सारा सामान अवेलेबल हो गया है। और चतुलमारी में इनका कोई भी सामान का जरूरत पड़ेगा, पाइप वगैरह का, इनके यहाँ ले सकते हैं। दादा अपना एड्रेस और नाम, दुकान का नाम बता देंगे। चतुलमारी चंदौर बांध नियर सूर्य मंदिर गेट। हमारे यहाँ प्लम्बिंग सैनिटरी का सारा प्रोडक्ट अवेलेबल है, रेट भी बेस्ट है। हम फिनोलेक्स प्रिंस कंपनी का माल बेचते हैं। कोई भी सामान का जरूरत पड़ेगा आप बिंदास आ सकते हैं तितलमारी में, और अच्छे दाम पे, उचित दाम पे मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, हम चले घर। अब दोस्तों इस पाइप को हम लोग यहाँ से काट के उसके बाद जोड़ के उधर ले जाएंगे। अब इसको हम लोग काट रहे हैं। इसको काट चुके हैं, जरा इसे इसको सीरीज पेपर से घस देंगे ताकि सिलिकॉन इसमें चिपक सके। के बाद इसको इसमें चिपका दिए, इसको फिर नाप लेंगे, फिर इसको कटिंग करेंगे। लमसम इतना कटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, इसको बांध देंगे और इसमें भी दे देंगे। हम ऐसा मिस्त्री तो है नहीं, लेकिन कुछ नॉलेज है जिसके कारण हम इसको काम कर रहे हैं। ये दोनों तरफ बंद दे दिए और ये पाइप को भी दे देंगे ताकि बाहर चला जाएगा, एक ही बार में दोनों काम हो जाएगा। हाँ उल्टा करके इधर देंगे। हो गया, और इसमें भी दे देंगे ताकि बढ़िया से चिपक जाए। फिर ये हो गया, इसमें हम जोड़ दिए और इस पाइप को बाहर की तरफ कर देते हैं। सब अच्छा, हाँ कुछ है सीमेंट के कारण हो रहा है सर। अब चला गया, अब ये इसने हो गया कनेक्ट। चलो ऊपर जाओ।
ये ऊपर हो गया, इसको इसे धकेल दिए और इसमें एक काठी, पुराना काठी जो है यहाँ है। इसको हथौड़ी से ठोकना पड़ेगा। इसको हथौड़ी से बढ़िया से ठोक लेते हैं ताकि ये चिपका रहे, ताकि ये हिल डोल ना हो। अब इसको यहां से काट देंगे। इतना बिल्कुल काट सकते हैं। अब दोस्तों ये टी है, इसमें से गोंद लगाएं और इसको भी गोंद लगा दिए। और ये हो गया, अरे बाबा रे, ये चिपक गया टी। और इसको भी चिपका देंगे। फिर इसमें भी गोंद दे दिए और ये पॉइंट बाद में मैं सेंटेक्स के लिए छोड़ रहा हूँ, अभी बाहर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और एक पॉइंट नीचे बल्ब की ओर जो टुल्लू पंप का पानी इसमें आएगा। अब इसको भी जोड़ दिए। और हमारे यहाँ दोस्तों टुल्लू पंप से चलता है, टुल्लू पंप का लेयर जो है और 5 फीट नीचे पानी है, बहुत ही नज़दीक पानी, पानी की कोई कमी नहीं है। और ये गोंद इसमें भी दे दिए थोड़ा और इसको ऐसे चिपका दिए। और फिर ये को फिलहाल हम ऊपर वाला बंद कर देंगे क्योंकि ऊपर वाला भी काम नहीं है, बाद में जब हम सेंटेंस के लिए जोड़ेंगे तो इसको हटा देंगे। फिलहाल ये लॉक हो गया। अब इस बल्ब को लगाएंगे। गुना का लगता थोड़ा प्रॉब्लम है, कार लग ही जाएगा, कार लग गया। अब इसको ये लेगा। फिर इसको भी लगा देंगे हम। अभी काम बाकी है दोस्तों। मोटर का लाइन देने जा रहे हैं और लाइन देने के बाद चेक करेंगे मेरा काम सही हुआ या नहीं। ये स्विच है मोटर का, अभी हम लोग का टुल्लू पंप लगा हुआ है, 1 HP का टुल्लू पंप है। पानी चालू हो गया है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं, अब देख सकते हैं पानी एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से निकल रहा है और ये नीचे भी हो गया। अब ये नहाने धोने बर्तन वर्तन में पानी भरने के लिए बहुत ही सुंदर हो गया। अब ये मेरा दीवाल जो पानी यहाँ प्रेशर बन के गीला हो रहा था वो चीज़ नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।